बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास। और मैं नुसरत जावेद। भाईजान, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसके एक मेंबर हैं शरीर रहमान, हमारी दोस्त भी हैं भाई। बिल्कुल ठीक है। तो आज कुछ सिफारिशात भेजी गई हैं कौमी सलामती कमेटी ने, तो उस पर उनके साथ बात करते हैं। तो बीबी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शरीर बीबी। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत, वालेकुम मिन्हास। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, ये जो आप लोगों ने ये जो सारी सिफारिशात भेजी हैं शेरी बीबी, जी जी हम दोस्त भी हैं ना, थोड़े से बिल्कुल हल्के मैं से तो जागी भी हूँ, कम से कम आप शायद सोए हैं। नहीं, मैं बहुत जाग रहा हूँ। अच्छा बताओ ये कि देर इज अ थिंग अबाउट विच इज वर्केबल। अब आप कह रहे हैं कि ड्रोन हमले ना हो, तो ये कैसे अच्छा, ना आप हो कह रहे हैं बैतुल्ला कि इट्स नॉट महसूद को। वर्कबल, जाहिर है आप कह रहे हैं एक हकीकत को पहचान लें और उसे तस्लीम करें, आपका कहना ये है। हाँ। जी भैया ठीक है ना जी। तो मैं जरा सा वजहत ये कर दूं कि कमेटी ने अपना मिन्हास काम ने नुसरत जावेद, मिन्हास तो बोला ही नहीं बेचारा। जी जी हाँ। मैं सिर्फ ये वजहत कर दूं कि कमेटी ने अपना काम समझा, अपना दायरे कार ये समझा कि वो एक सिचुएशन है जो वो मिलजुल के कुछ अच्छा, हली मेरे ढूंढना भाई होगा। दोस्तों की तरह बात करे ना, मैं दोस्तों और की आप तरह तो तो बात पहले कर रही हूँ, शरीर मैं बात, आपसे यही पहले तो हम अर्ज कर रही सहाफी हूँ नुसरत हैं, जी। पहले मैं और आप दोनों सहाफी हैं। आप तो चली गई ना, वो पॉलिटिक्स में पड़ गई ऐसे कहाँ गलत चली गई, तरीके अभी आप जब मर्जी आती है आप सहाफी वाला बटन दबा देते हैं, जब अच्छा मर्जी आती है मरियाना नुसरत बाबर कहते भी साथ है हमारे, उसके आग लफ सुन ले कुछ। जी 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 हाँ मरियाना, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम नुसरत। तीन बातें हैं नुसरत। एक तो पहले मैं मुश्ताक को मुबारकबाद दूं, इनकी जो एक खूबसूरत दोस्ती है शहबाज शरीफ के साथ, हाँ बहुत इतने घटिया है। इतने ये अभी एरोगेंट हो गए हैं कि इस दफा जब इन्होंने इलेक्शन करवाए, इन्होंने सोचा ही नहीं कि भाई मरियाना बाबर का भी वोट है, हम जाके जरा कैंपेन करें, वोट डालें। ये इतने प्राउड हो गए हैं कि अभी हमारी अच्छा मरियाना, मैं बिल्कुल माजरत खाऊं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपके ऊपर तो आपको तो वापस तो वोट मांगना ही नहीं चाहिए। आप तो